हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस की ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे DFCCI एग्जामिनेशंस 2020-23 के लिए, CVT2 एग्जामिनेशंस के लिए। टेक्निकल सेक्शंस में टॉपिक शुरू करेंगे डिजिटल सर्किट्स के बारे में। डिजिटल सर्किट्स में एक सब टॉपिक आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। जानेंगे हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बेसिक से बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग एस के ट्यूटोरियल चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये लॉजिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट होता क्या है, किसे कहते हैं लॉजिक गेट। देखिए, ये जो क्लासेस होने वाला है ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाला है। तो अगर आप DFCCI एग्जामिनेशंस का, CVT2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ब्रांच अगर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन है, तो आप हमारे पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करना है, और एसके ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके आप बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी आप लोग डायरेक्टली बैच में एडमिशंस ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर, 10 सितंबर तक के बीच में एडमिशन लेते हैं, तो आपका एडमिशन फी में 90% तक का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अभी आप कोड यूज करेंगे, कूपन कोड SKT90, तो आपको जो है बेसिकली 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप करेंगे तो ये ऑफर समाप्त हो चुकी होगी, इसीलिए जल्द से जल्द ऐप में एनरोल करिए और फटाफट से पेड बैच का मजा लीजिए, और अच्छे से हर एक टॉपिक को टू द पॉइंट अच्छे से पढ़िए। कितना पढ़ना है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कुछ किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं रियल एग्जामिनेशंस में, इन सभी को मैं बताने वाला हूँ बेसिकली पेड कोर्स के बैच में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट को बेसिकली हम लोग हिंदी में कहते हैं तर्क वार या लॉजिक गेट। हिंदी में इसको बेसिकली तर्क द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क द्वार। और लॉजिक गेट को वह सिस्टम होता है जिसका आउटपुट उसके इनपुट पर उपस्थित वर्तमान संकेतों या पूर्व संकेतों पर निर्भर करता है। यानी जैसा इनपुट देंगे उसके अनुसार आउटपुट आएगा, या फिर कुछ पहले से उसमें कुछ संकेत स्थित है, कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्थित है, तो या पहले से कुछ सिग्नल उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके आधार पर उसका आउटपुट आता है। कहते हैं वह भौतिक युक्ति हो सकती है या कोई आदेश सरीकृत युक्ति है। कहते हैं आजकल अधिकतर अर्धचालक जो होता है लॉजिक गेट का प्रयोग किए जाते हैं, किंतु सिद्धांततः यह विद्युत चुंबकीय रिले, तरल लॉजिक, दाब लॉजिक और प्रकाशिक लॉजिक अणुओं आदि में भी बनाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉजिक गेट एक ऐसा सिस्टम है, तर्कवार जिसको कहते हैं, तर्क द्वार, जो कि क्या करता है, जैसा आउटपुट दिया जाएगा, जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा आउटपुट आएगा। यही है। अब इसी चीज को इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसको पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो लॉजिक गेट होता है यानी कि तर्क द्वार, ये बेसिकली और भी इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट को, जैसे कि तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के मूल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मतलब मूल बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम का, जो क्या करते हैं, तार्किक ऑपरेशन यानी कि सोचने समझने का क्षमता, तार्किक ऑपरेशन करते हैं। कौन? गेट ही है ना। और लॉजिकल ऑपरेशन को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो कौन करता है? यही करता
करता है, लॉजिक गेट ही करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन को ही स्विचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन को कहा जाता है स्विचिंग ऑपरेशन, स्पीच फैक्टर, पावर फैक्टर, कुछ से कुछ दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, और आपको वहां पे सही ऑप्शन लगाना होगा। लॉजिकल ऑपरेशन को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है लॉजिक गेट, गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और केवल एक आउटपुट होता है, और इन आउटपुट और इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है। तो लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि लॉजिक गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है और आउटपुट केवल एक ही होता है, और इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध जो है निश्चित तर्क पर आधारित होता है, वो फिक्स होता है कि उसका बेसिकली तर्क क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा। अब वही बात को यहां पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब आगे बात करते हैं कि कितने टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के बेसिकली तर्क द्वार होते हैं। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के तर्क द्वार होते हैं, कौन कौन सा? एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, और नॉट लॉजिक गेट। ये तीन प्रकार के हैं बेसिकली, ये जो तीन लॉजिक गेट हैं, इसके अतिरिक्त और अन्य तीन लॉजिक गेट भी होता है, लेकिन ये जो तीन है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पर आधारित ही होते हैं, जो और भी होते हैं। और एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसको लॉजिक गेट का बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट। क्या कहते हैं? बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट। और यही चीजें हैं। अब आगे एक एक करके हम लोग एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को समझने वाले हैं। तो यहां पर पहला नंबर पे आता है हम लोगों के लिए एंड गेट। कौन सा गेट आता है पहला नंबर पे? एंड गेट आता है। और एंड गेट हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली देखिए बच्चों, एंड गेट एक डिजिटल सर्किट है। क्या है एंड गेट? एक डिजिटल सर्किट है। एंड गेट गेट को हम लोग समझना शुरू कर दिए हैं। एंड गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है, और जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। एंड गेट का डायग्राम आप यहां पर फोटो देख सकते हैं कि दो इनपुट है यहां पे, दो या दो से अधिक भी हो सकता है इनपुट होते हैं, और केवल एक आउटपुट होता है। तो आउटपुट आप देख पा रहे हैं, इनपुट वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है, ये है इनपुट आपका। क्या है? ये इनपुट। और ये वाला जो पोर्शंस है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो वही कहता है कि एक या क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। और एंड गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब दोनों या सभी इनपुट हाई होते हैं, यानी कि हाई और लो। इसमें क्या होता है, हाई या लो? जैसे कि घर का जो दरवाजा होता है, घर का दरवाजा, वो या तो खुला रहेगा या तो बंद रहेगा, दो स्थिति होता है। उसी तरह से इसको हम लोग कौन सा द्वार कहते हैं? तर्क द्वार कहते हैं। तो ये तर्क द्वार जो होता है, या तो हाई होता है या तो लो होता है। घर का दरवाजा को क्या बोलते हैं? बेसिकली गेट। और वो जो गेट होगा, या तो खुला होगा या तो बंद होगा। ये जो तर्क द्वार है, या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो दो आउट इनपुट इसमें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दो इनपुट इसमें दिया जाता है, और जिसका नाम होता है ए और बी, और आउटपुट निकलता है ए इंटू बी। अब इसी चीज को यहां पर लिखा गया है इनपुट आउट के फॉर्मेट में। अगर इनपुट में जीरो डाल दिया गया, यानी कि हाई और लो जैसा मैं बता रहा हूं, हाई और लो, तो बेसिकली हाई का मतलब होता है, बाइनरी लैंग्वेज में हाई का मतलब होता है वन, और लो का मतलब होता है जीरो। बाइनरी लैंग्वेज में जीरो और वन, वन जीरो, जीरो वन ही कंप्यूटर भाषा समझता है। तो अगर इनपुट में जीरो दे दिया गया पहला इनपुट में, और दूसरा इनपुट बी में भी जीरो दे दिया गया, तो दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो भी जीरो ही रहेगा।
इसके बाद एक फिर वन और एक जीरो, तो फिर जीरो आएगा रिजल्ट, एक जीरो फिर वन तो जीरो आएगा रिजल्ट, और अगर वन वन हो गया दोनों तो हाई आ गया रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को कुल मिलाकर के क्या समझ में आया, समझ में आया कि एंड गेट में दोनों या सभी इनपुट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है, और जिसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिंदु से दिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और जब यहाँ पर क्या है, जब दोनों इनपुट हाई होगा, ए इनपुट भी हाई हुआ और बी इनपुट भी हाई हुआ, तब जो आउटपुट आएगा वो हाई आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीजें। अब हम लोग अगला स्लाइड में देखने वाले हैं और गेट को, तो और गेट को हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोग अभी तक बैच में इनरोल नहीं किए हैं तो बैच में इनरोल कर लीजिएगा। अगर आपको जो लगता है कि बैच में इनरोलमेंट करना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि समय कम है। तो इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।